हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो जैसा कि पहले आपको सूचित किया गया था कि हम लोग पूरे यूजीसी नेट का आपका जो है एक क्रैश कोर्स टाइप का एनिसार्ट रिवीजन सीरीज करेंगे। तो ये भी इसमें देखिए जियोमॉर्फोलॉजी आपका हो चुका है, क्लाइमेटोलॉजी भी हम लोग कर चुके हैं, आज आपको ओशनोग्राफी और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी मिल जाएगा, इसके अलावा फर्स्ट पेपर का भी मिल जाएगा। और कल जो है हम लोग क्या करेंगे कि जिसमें आपका पॉपुलेशन रहेगा, अधिवास रहेगा और प्रैक्टिकल वाला पोर्शन रहेगा, उसको भी यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा हो, लेकिन आप लोगों को क्या है कि उसको पूरा पढ़ते हुए चलिएगा। यहाँ पे देखिए पॉइंटर जैसा मेंशन किया गया, सारा कुछ एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ कवर करेंगे। कुछ प्रश्नों को भी हमने शामिल करा है और कुछ अलग से आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है ऐड कर रखा है, जैसे तट क्या होते हैं, तटों के प्रकार क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है, दिया कौन सा वैज्ञानिक जो है समुद्री मौसम विज्ञान का प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास एलसी किंग है और मरे हैं, सी देखिए डेविस हैं और डी आपके सेफर्ड महोदय हैं। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मरे जो है, इन्होंने इनको जो है वैज्ञानिक समुद्री विज्ञान का प्रतिपादक या फाउंडर कहा जाता है। ये देखिए आपका जो लेटेस्ट अभी पूछा गया था, आई थिंक ये दिसंबर 2020 के आसपास ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए दिया है कि सागरों का क्रम आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। रेड सी दिया है, ब्लैक सी दिया है, डेड सी यानी कि ये लाल सा। अब देखिए यहाँ पे जो हिंदी इंग्लिश है उसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। अब देखिए वो आपका क्या है, लाल सागर है, ये काला सागर हो गया, ये आपका जो है मृत सागर हो गया और ये आपका बाल्टिक। सी देखिए लिखा है, हिंदी में भी सी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा इंग्लिश भी आपको फॉलो करते हुए चलना है। अब इसमें खारापन के अवरोही क्रम में आपको इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा है जो आपका हो जाएगा मृत सागर हो जाएगा। मृत सागर के लगभग 238 ये ग्राम के आसपास है, ठीक है, 238 ग्राम। इसके अलावा जो आपका रेड सी है यानी लाल सागर है, तो लाल सागर की जो लवणता है वो कितनी है, देखिए खारापन यहाँ पे मेंशन करा है ना, तो साइलेंटी लगभग 37 से लेके 40 के आसपास है। और जो आपका बाल्टिक सागर है, तो बाल्टिक सागर की लवणता जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा जो टर्की की आपकी वान झील है उसका है, वो लगभग 330 ग्राम के आसपास है, ठीक है। अब इसको ग्राम का मतलब ये आपका जो निकाला जाता है पीपीएम में, यानी पार्ट पर मिलियन, और जो ये आपका निकाला लिखा जाता है इसको 37 से जैसे 40 लिखा, तो ये पर मिल में लिखा जाता है, इस तरह से 00 आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जबकि प्रतिशत में केवल एक इस तरह से लगाया जाता है। तो ये इसलिए लगाया गया क्योंकि इसको जब निकाला जाता है तो 1000 ग्राम जल में जो समुद्री जल है उसमें जो नमक की मात्रा है, ठीक है, वो आपका यहाँ से निकाला जाता है, इसीलिए आप देखते हैं कि इस तरह से मेंशन करा जाता है। और इसका जो बेसिक चीज़ें हैं उसको लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, उस मैं टोटल आपको क्या करूँगा रिवाइज कराऊँगा, ठीक। तो सबसे ज़्यादा इसमें अवरोही में करना है, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इसमें आपका नंबर वन पे आ जाएगा डेड सी। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सटीक आपका यही है, क्योंकि तीन पे कोई नहीं है, डेड सी में सबसे ज़्यादा है, तो यही आपका हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, फिर आपका सेकंड यानी ब्लैक हो जाएगा, बाल्टिक में सबसे कम होती है, क्या होती है, साइलेंटी। अब देखिए यहाँ पे सैलाइन वाटर जो एक बॉटल के माध्यम से दिखाया गया है, तो जो जिस जल में यहाँ पे देखिए 50+ PPT पाई जाती है वो आपका ऊपर दिया गया है, और इसके अलावा 30 से लेके 50 के बीच जो पीपीटी यानी कि पार्ट पर 1000 यानी 1000 ग्राम जल में जो निकाला जाता है उसी को यहाँ पे मेंशन करा है। तो रेड सी में देखिए यहाँ पे 40 मेंशन करा है और मेडिटेरेनियन सी में कितना दिया है, ये 38। अब ये उसी के क्रम में यहाँ पे देखिए 30 है, जो 30 है ये इसकी बाउंड्री रखी गई है कि 30 से जो ऊपर होगा वो क्या होगा, ये सैलाइन वाटर होगा,
और इसमें कौन कौन से आएंगे, सी वाटर आ जाते हैं, साल्ट लेक आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी इस तरफ आ जाइए, ये आपका क्या हो गया 18 से लेके 30 तक है। तो ये किस प्रकार के वाटर को डिफाइन करेगा, तो ये आपका जो डिफाइन करेगा ये ब्रैकिश वाटर, इसके अंतर्गत एस्चुरीज आ जाती है, मैंग्रोव आ जाता है, ठीक है, ब्रैकिश सी एंड लेक, ब्रैकिश स्वैम्प, ये सभी आ जाते हैं, जिसमें 5 से लेके 30 PPT के आसपास जो साइलेंटी पाई जाती है। अब इसमें आपका जो मेंशन करा है देख लीजिए, जो लिमिट ऑन एग्रीकल्चर इरिगेशन, जो सिंचाई करी जाती है उसमें कितनी ग्राम जो सेलाइन होते हैं यानी साल्ट होते हैं, तो ये पे आपका 2 PPT दे रखा है। बाल्टिक सागर का देखिए, अभी बाल्टिक पूछा था ना, उसमें 8 हो जाएगा। ब्लैक सी में देखिए 18 है, अब यही आपका ऑप्शन भी बना के दिया है, यहाँ पे देखिए यही ना ऑप्शन बना के दिया, बाल्टिक में आपका 8 है, ब्लैक में आपका 18 हो जाएगा, इधर आपका 38 39 है ही, ये आपका 238 है ही। तो इस हिसाब से आपका इसी तरह से एग्जाम में बना के पूछेगा, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है जिसको हमने इंक्लूड करा है अभी आपको बताने के लिए, ठीक। तो समुद्रों में अधिकतम जो लवणता की उत्पत्ति होती है, चलिए एक प्रश्न आप यहाँ से समझिएगा, समुद्र में जो सर्वाधिक साइलेंटी होती है, सर्वाधिक लवणता, ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, क्या ये समुद्र तल से होती है, क्या ये जलवायु से होती है, या फिर समुद्री जीवों के अवशेषों से होती है, या फिर महाद्वीपों से होती है। तो सबसे ज्यादा जो साइलेंटी होती है वो किससे प्राप्त होगी, ये आपका महाद्वीपों से होगी, ठीक, क्योंकि जो महाद्वीप पर सैलाइन रिवर्स हैं या पवने हैं उसके द्वारा क्या करा जाता है कि जो मृदा समुद्रों में बहाई जाती है लाके, तो उसमें क्या होती है, साल्ट की मात्रा मिट्टी में होती है, और उसकी वजह से भी आपका यहाँ पे ये सैलाइन हो जाता है वाटर। इसके अलावा एक और चीज़ समझिएगा, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी PPT क्या होती है, ये 0.1 दे रखा है, ठीक है, ये 0 से लेके 5 मेंशन करा है। तो यहाँ पे देखिए जो फ्रेश वाटर होते हैं उसमें पॉन्ड है, लेक है, रिवर, स्ट्रीम, एक्वीफर हो गए, इनकी जो PPT होती है यानी जो सैलाइन वाटर होता है ये, या इनकी सैलिनिटी जो है ये 5 के आसपास होती है। तो यहाँ पे देखिए एवरेज जो सी वाटर की सैलाइन यहाँ पे 34.7 यानी जो महासागरीय लवणता है औसती, ये आपका 35 है। बाल्टिक सी में देखिए 8.7 दिया है, रेड सी में 39 है, कैस्पियन में 180 है, डेड सी में 250 दिया, वन लेक में 330 दिया है। तो ये देखिए जो वेरिएशन है इसमें, आप देखिए इसमें जनरली डेड सी में आपका 238 हर जगह मिलता है, 250 दे रखा है, तो वेरिएशंस इसमें होते रहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ये लेकिन ध्यान रखना कि इसमें क्या है। अब देखिए महासागरीय गर्त के बारे में पूछता है, तो कौन सा गर्त कितनी गहराई पे किस सागर में स्थित है, अभी और डिटेल आपका कटकों का उसमें हमने मेंशन करा है। तो मेरियाना जो गर्त है ये आपका 11,000 मीटर के आसपास है, यानी 11 किलोमीटर की, ये पैसिफिक में है। अब देखिए पैसिफिक में भी नॉर्थ वाले में आ जाता है। टोंगा जो गर्त है ये लगभग 10 किलोमीटर यानी 10,882 मीटर में है, ये देखिए मीटर में गहराई है तो मीटर में करिएगा, ठीक है, ये भी पैसिफिक में है। मिंडनाओ गर्त कहाँ पे, पैसिफिक में, ये भी 10 से ऊपर है। अब देखिए अभी आपका प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा जो है कितने गर्त जो है 10 किलोमीटर से अधिक गहराई वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मरियाना, टोंगा, मिंडनाओ, ये सभी 10 से ज़्यादा हैं। प्योर्टो रिको जो है ये आपका अटलांटिक में है, पश्चिमी द्वीप समूह के पास, ये लगभग 8,380 के आसपास है, इतना मीटर गहराई। आटाकामा जो गर्त है ये आपका 8,000 के आसपास है, पैसिफिक में है। रोमसे गर्त जो है 7,758 मीटर, ये आपका कहाँ पे, दक्षिणी अटलांटिक, ध्यान रखिएगा। ये सुंडा गर्त कहाँ पे है, तो ये लगभग 7,500 मीटर के आसपास है, यानी 7.5 किलोमीटर गहराई जो है इसकी है, किसकी, सुंडा गर्त की है, ये दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हिंद महासागर से संबंध कुछ प्रमुख तथ्य क्या है, कि हिंद महासागर में कौन कौन से सीमांत सागर होते हैं, ये भी पूछा जाता है अक्सर। फारस की खाड़ी है, लाल सागर है, अभी फिगर ऐड है उसको मैं दिखा दूंगा वहां पे, तो अभी यहाँ पे देखते हुए चलिए, लाल सागर है, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल है, ओमान कक्ष और कम्बाद की खाड़ी है। तो यदि आप मैप यहाँ पे बनाएंगे,
ठीक है, ये इंडिया का मान लीजिए हमने बना दिया, तो जो आपका यहाँ पे बन जाएगा ये हिंद महासागर, तो यहाँ पे आपका देखिए क्या है कि फारस की खाड़ी हो गई, रेड सी हो गई, लाल सागर यहाँ पे एक और ऐसे बनेगा, लाल सागर हो गया, अदन की खाड़ी है, मोजाम्बिक चैनल यहाँ पे है आपका, ठीक है, ओमान और कक्ष की खाड़ी है, ओमान यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे ओमान की खाड़ी हो गई, कक्ष यहाँ पे गुजरात वाला कक्ष की खाड़ी हो गई, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें जो द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप है, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार, रीयूनियन, जंजीबार, मॉरिशस, कोमोरो, मालदीव, सेशेल्स, डियागो गार्सिया, ये पूछा जाता है। इस पे किसका अधिकार है? अभी वर्तमान में आपका जो है ब्रिटेन पे था, तो ये क्या किया, अमेरिका को लीज पे दे दिया है। कोकोस द्वीप यहाँ पे आपका द्वीप है, अमरेंटीज द्वीप है, और कटक की बात करें, ये आपका 3 से 5 बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कटक कहाँ पे स्थित है, और एक बार तो डायरेक्ट यहाँ पे पूछा था कि 90 डिग्री जो ईस्ट कटक है वो किस कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपका इंडियन ओशन में है, मैच कराने के लिए दिया है, ठीक है। इसमें देखिए लक्षद्वीप, चागोस कटक है, चागोस सेंट पाल कटक है, एम्स्टर्डम कटक है, कार्लसबर्ग कटक है, सोकोत्रा चागोस कटक है, सेल्सेस कटक है, दक्षिणी मेडागास्कर कटक है, प्रिंस एडवर्ड कटक है, क्रोजेट कटक है, अंडमान निकोबार कटक है, ये सारे जो कटक हैं वो किस में आते हैं, वो इंडियन ओशन में आते हैं यानी हिंद महासागर में आएंगे। हिंद महासागर के कुछ गर्त देख लीजिए, सुंडा गर्त यहाँ पे सबसे फेमस है, इसके अलावा ओब गर्त है, डायमेंटीना गर्त है, अमीराते गर्त है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि सुंडा गर्त को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये फेमस भी है, ठीक है, लेकिन ये आपका जो है अमीराटे, जयमिंटीना, वो भी ये सारे जो है यहाँ पे मेंशन करा है। नेक्स्ट देख लीजिए अटलांटिक की बात कर लेते हैं, अटलांटिक जो सीमांत सागर है उसमें आपका कैरिबियन सागर है, उत्तरी सागर है, बाल्टिक सागर है, हडसन की खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी है, डेविस जलसंधि है, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर है, बिस्के की खाड़ी है, ये आपके अटलांटिक के हो गए। और द्वीप की हम लोग बात करें तो अटलांटिक में मडीरा द्वीप है, किनारी द्वीप है, सेंट हेलेना है, फाकलैंड है, अजोर्स है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, त्रिनिदाद टोबैको है, बरमूडा है, ठीक है, केप वर्डे है, जमैका, हैती, प्यूर्टो रिको और बहामा, ये इम्पोर्टेंट वाले जो आइसलैंड है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कटक की बात करें तो यहाँ पे देखिए डॉल्फिन कटक है, चैलेंजर कटक है, बीबिल टॉम्सन कटक है, टेलीग्राफी पठार है, बालविस कटक है, जो आपका मिड अटलांटिक रिज यानी मध्य महाद्वीपीय कटक, मध्य अटलांटिक कटक के ही ये पार्ट है, डॉल्फिन, चैलेंजर, बीविल टॉम्सन, टेलीग्राफी, बालविस कटक, ये सारे उसी के भाग हैं, उत्तर और दक्षिण का विस्तार अलग अलग नामों से जाना जाता है, और यही एग्जाम में पूछता है, वो आगे फिगर में दिखाएंगे। बैंक की हम लोग बात करें तो यहाँ पे ग्रांड बैंक है, जॉर्जेस बैंक है, सेंट पियरी बैंक है, डागर बैंक है, सेविल द्वीप बैंक है, ये सभी बैंक जो है मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। गर्त की बात करें तो प्योर्टो रिको गर्त है, रोमांस गर्त है, केमन गर्त है, सैंडविच गर्त है और नेरिस गर्त है। अब देखिए ये जो पूछा गया सबसे ज्यादा प्योर्टो रिको भी पूछा गया, ऊपर आपने रोमांस गर्त भी देखा, ये भी पूछा गया, नेरिस गर्त भी पूछा है, तो ये सारा कुछ आप ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पे है, किसका लोकेशन क्या है। पैसिफिक ओशन के बारे में जान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे द्वीप और द्वीप समूहों की हम लोग बात कर लें तो जापान में जो आपके यहाँ पे द्वीप है, पैसिफिक में जो द्वीप है जापान, जापान में 4 द्वीप हैं, ओनसे, होन्शू, होकाइडो, क्यूशू और शिकोकू, तो ये एक तरह से आपका हांशू, होकाइडो, क्यूशू और शिकोकू, तो एक तरह से आपका क्षेत्रफल के अनुसार भी व्यवस्थित है। इंडोनेशिया इसमें आता है, पैसिफिक ओशन में ही है, इसमें सुमात्रा, जावा, कालीमंतन ये द्वीप है, कालीमंतन जो है बोर्नियो का पार्ट है, बोर्नियो पे देखिए, बोर्नियो पे 3 कंट्री हैं जिसमें आपका इंडोनेशिया का भी अधिकार है, मलेशिया है और खुद का यहाँ पे ब्रुनेई, तो ये 3 देश का अधिकार इस पे है, ठीक है। इंडोनेशिया का यहाँ पे कालीमंतन है, मलेशिया का सारवाक है और इसका ब्रुनेई, बोर्नियो या ब्रुनेई से कहते हैं, इरियन है, सिलेबीज है, मदुरा है, मलेशिया का देखिए सोलोमन, यहाँ पे आपका सोलोमन, फिजी, न्यू कैलिडोनिया, न्यू गिनी, हेबराइड्स, ठीक है, ये सब जो है आपके
मलेशिया के अंतर्गत आएंगे, जो किसके पार्ट हो जाते हैं, ये पैसिफिक के ही द्वीप समूह या द्वीप है। अब देखिए इसमें कुछ और चीजें हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आपका ये जो द्वीप समूह है, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, ठीक है, ये आपका मेलानेशिया, सॉरी मलेशिया नहीं, मेलानेशिया है, तीन है ना, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, ये तीन द्वीप समूह है जो कहाँ के हैं, पैसिफिक ओशन के, और यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है इनके द्वीपों के बारे में मैच कराने के लिए देता है। जैसे सोलोमन द्वीप पूछ लिया कहाँ से है, तो ये मेलोनेशिया द्वीप समूह का भाग है, फिजी है, न्यू कैलिडोनिया, न्यू गिनी, अपराइट्स, ठीक है, ये मलेशिया नहीं मेलानेशिया है। माइक्रोनेशिया जो है ये इसमें देखिए मार्शल द्वीप, एलिस द्वीप है, गिलबर्ट है, कैरलाइंस है। पॉलिनेशिया में कुक है, सोसाइटी है, लाइन है, हवाई है, ताती, समोआ, टोंगा, ठीक है, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, ये पॉलिनेशिया के हैं। और ताइवान, हैनान, मकाओ, हांगकांग, न्यूजीलैंड, ये भी आपका किस में है, प्रशांत महासागर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अब देखिए ये कॉन्टिनेंटल जो महाद्वीपीय महासागरीय उच्चावच है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ये आपका 200 मीटर की गहराई तक लगभग होता है, ठीक है, जिसे हम लोग महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। इसके बाद आता है आपका कौन सा कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो स्लोप आपका यहाँ तक देखिए 2000 से लेके 3000 मीटर तक गहराई पे ये आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है, यानी कि मग्न ढाल। इसके बाद देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाता है, राइज यानी उत्थान चालू हो जाता है धीरे धीरे। और इसके बाद आपका जो अविशल प्लेन आता है, गंभीर सागरी मैदान, गंभीर सागरी मैदान ही आता है, ठीक है, ये 4000 से 6000 के लगभग जो है इसकी गहराई है। इसके बाद जो आपका ये है, ये आपका ट्रेंचेज की बात कर रहा है कि गर्त आ जाता है। गर्त के बाद आपका इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुयोट या कटक बोलते हैं, बाहर निकल जाए कटक हो जाएगा, तो जनरली इसे गुयोट बोला जाता है, ये उत्थान अचानक होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबमरीन कटक है जो धरात इसके जल के ऊपर समुद्रों में नहीं आ पाते, वो आपके क्या हो जाते हैं, सबमरीन कैनियन या सबमरीन रिज, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ से कुछ धाराओं पे भी चर्चा कर लें हम लोग। जो महासागरी धाराएं हैं उसके बारे में, इसमें देखिए जो आपका रेड से, रेड साइन से दिखाया गया ये कौन सी है, ये आपका गर्म जल धारा है। जो ब्लू से दिखाई गई ये कौन सी है, ठंडी जल धारा है, ठीक है। पहले हम लोग इंडियन ओशन को ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए आपका अगुलास की जो जल धारा है, मोजाम्बिक है, ये कैसी हो गई, गर्म हो गई। देखिए यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट हो गई, साउथ इक्वेटोरियल करंट यानी दक्षिणी विषुवती, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे, ना तो बहुत ज़्यादा ये वार्म करंट होती है ना कोल्ड, वैसे इसको शामिल किया जाता है कोल्ड करंट में। और नेक्स्ट है आपका ये कौन सा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ये आपकी कौन सी है, कोल्ड करंट है, ये पूछा जाता है। साउथ इंडियन, दक्षिणी, दक्षिण भारतीय, इसी की शाखा जो आगे बढ़ेगी तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आर्कटिक सर्कम पोलर भी पैसिफिक बेल्ट के आसपास जो है यहाँ पे, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो आपकी जलधाराएं हैं वो क्लियर हो गए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका मेंशन करा है इन्होंने, ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये आपका पूर्वी प्रशांत हो जाएगा, ये आपका पश्चिमी प्रशांत हो जाएगा। तो जो पूर्वी प्रशांत और पश्चिमी प्रशांत में चलती है तो पैसिफिक ओशन ध्यान रखिएगा। अलास्का की जलधारा जो है यहाँ पे कैसी है, गर्म है, ठीक है, तो यहाँ से ये आपका कौन सा हो गया, पूर्वी प्रशांत है, और पूर्वी प्रशांत में जलधारा यहाँ से देखिए आपका पेरू की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा है, ये आपकी कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी।
अब जलधारा कौन ठंडी है कौन गर्म है, जो निम्न अक्षांश से, ठीक है, लो लैटिट्यूड से उच्च की तरफ जाएंगी वो कौन सी हो जाएंगी, वो आपके वार्म करंट हो जाएंगी, गर्म जलधारा, जो उच्च अक्षांश से निम्न की ओर आएंगे, उच्च से निम्न की ओर, तो ये कौन सी हो जाएंगे, कोल्ड करंट हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि जब ऊंचाई से आएंगी, उच्च भागों से, तो जो इक्वेटर का यहाँ पे टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा यहाँ पे कम है, इसकी अपेक्षा यहाँ से कम है, तो जब ये ऊपर से आएंगी तो क्या आएंगी, ठंडी जलधारा के रूप में प्रवाहित होंगी। तो आगे आते हुए क्या करेंगे, जल यहाँ के टेम्परेचर को थोड़ा धारण करेंगे, लेकिन इनका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, इसकी वजह से वो गर्म नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और भी रीजन इसके अंतर्गत है, पृथ्वी का घूर्णन है, पवनों का प्रवाह है, घनत्व है, इन सभी की वजह से भी जलधाराएं चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ओयासियो की जलधारा है कैसी है, ये ठंडी हो गई, नॉर्थ पैसिफिक और क्यूरोसियो, ठीक है, क्यूरोसियो कैसी हो गई, ये गर्म जलधारा हो गई, और यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चलेगा, फिर यही वाला जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये मुड़ के आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जो जलधारा है कैसी है, गर्म है, और यही पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जो जलधारा कैसी है वो ठंडी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ईस्ट वाले में आ जाइए, पूर्वी प्रशांत महासागर में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्तरी विषुवती यहाँ से चल रही है, जो आगे क्यूरोसियो की धारा के रूप में जानी जाएगी, सुषिमा जलधारा भी उसे कहेंगे, और यही आगे जाके नॉर्थ पैसिफिक जो है ये दो भागों में बाइफर्गेट हो जाएगी, एक आपका ऊपर जाएगी, जो ऊपर जाएगी उसे हम लोग अलास्का की धारा कहेंगे, ये आपका गर्म जलधारा हो जाएगी, जो नीचे आएगी ये आपका ठंडी जलधारा के नाम से जानी जाएगी, जिसे हम लोग कैलिफोर्निया की जलधारा कहेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, पेरू हम्बोल्ट की जो जलधारा है कैसी है, ठंडी जलधारा है, और यहीं से आपका जो है किसका उत्थान होता है, जो आपका एल नीनो या ला नीना की घटना देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपका प्रशांत महासागर हिंद का हो गया। अब देखिए अटलांटिक का, अटलांटिक में क्या है कि यहाँ से आपका कौन सा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चली, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चली तो आगे चल के इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, तो गल्फ स्ट्रीम धारा के रूप में, जलधारा के रूप में आगे बढ़ेगी, तो ये कैसी हो जाएगी, गर्म जलधारा होगी, क्योंकि निम्न अक्षांश से उच्च की ओर जा रही है, यहाँ से बाइफर्गेट होके, ठीक है, ये तीन पार्ट में डिवाइड होगी, एक आपका इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से भी जानेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपका लैब्राडोर की जो जलधारा ऊपर से आ रही है, इससे इनका मिलन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लैंकटन्स उगाते हैं, और इसकी वजह से मछलियों का यहाँ पे उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और इसे हम लोग डागर बैंक के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका एक सर्कुलर मोशन भी होने लगता है, चक्रीय गति धाराओं की वजह से, तो यहाँ पे एक आपका सागर जनरेट हो जाता है, जिसे हम लोग सार्गेसो सागर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सार्गेसम नामक समुद्री घास की अधिकता पाई जाती है, इस आधार पर उसका नाम जो है सार्गेसो सागर रखा गया। अब इधर देखिए कनारी जो जलधारा कैसी हो गई, ठंडी जलधारा हो गई, ठीक है। इतना आप लोगों का क्या हुआ, क्लियर हो गया, आगे अभी आपको चीज़ें मिलेंगी। आगे देखिए बेंगुएला यहाँ पे मेंशन करा है, साउथ पार्ट में आ जाइए, बेंगुएला कैसी है, ये आपकी ठंडी जलधारा है, और जो ब्राज़ील है कैसी है, ये गर्म जलधारा है, ठीक है। इधर आपका साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, ये सारा कुछ क्या है, कोल्ड करंट के अंतर्गत शामिल करा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में भी मेंशन किया गया है, यहाँ गुलहास की जलधारा है, ठीक है, ये दक्षिणी विषुवती है, विषुवती विपरीत धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, तो ये इधर से जा रही थी, कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक। क्यूरोसियो की जलधारा, ओयासियो की, ओयासियो ठंडी है, क्यूरोसियो गर्म है, ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है आगे जाएगी, तो इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहेंगे, अपवाह कहेंगे, आगे चल के नॉर्वे का जो तट है यहाँ पे बर्फ को जमने नहीं देती, इसीलिए यहाँ के जो बंदरगाह है वो पूरे वर्ष भर खुले रहते हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ नीचे से कौन सी आ रही, फाकलैंड जलधारा है, ये भी आपकी ठंडी जलधारा है,
अटलांटिक में आ जाइए, ब्राजीलियन की जलधारा गर्म है ये, ठीक है। बेंगुएला की जलधारा कैसी है, ठंडी है। इक्वेटोर की जो इक्वेटोरियल करंट है वो कैसी है, गर्म है। और ऊपर सेम यही चीज़ें, कनारी जलधारा गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। और यहाँ पे आपका हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा होगी, पश्चिमी वायु है, दक्षिणी विषुवती धारा है, विषुवती विपरीत धारा है। ये सारा कुछ आपको क्या करना, क्लियर कर लेना है। अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए धाराओं के नाम है, उत्तरी विषुवती जल धारा है ये उष्ण अथवा गर्म है, यूरोशियन जल धारा जो है जापान की काली धारा के नाम से भी इसे जानते हैं, ये भी स्टेटमेंट पूछा गया, ये गर्म जल धारा होगी। उत्तरी प्रशांत प्रवाह जो है ये आपका गर्म है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो गल्फ स्ट्रीम वाला पार्ट है ना, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अलास्का की जलधारा गर्म है, ये भी आपका किसका पार्ट है, ऊपर जो जाती है, ठीक है। सुसीमा जलधारा ये भी कैसी है, गर्म जलधारा है। और क्यूराइल या ओयासियो की धारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की धारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा जो आपकी कौन सी होगी, गर्म जलधारा होगी। ये प्रशांत वाले में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जिसे न्यू साउथ वेल्स की जलधारा कहते हैं, गर्म है ये। हम्बोल्ट अथवा पेरू की धारा ठंडी है, आर्कटिक प्रवाह ठंडा है। प्रति विषुवतीय जल धारा जो है ये आपकी गर्म है, एलनीनो की गर्म है, ओखोटस का ठंडी है। ठीक, दूसरा देखिए यहाँ पे दिया है, उत्तरी विषुवतीय जल धारा जो है ये गर्म है या ठंडा है, तो ये आपका अटलांटिक का हो गया। दक्षिणी विषुवतीय जल धारा जो है ये आपकी गर्म है, यहाँ पे फ्लोरिडा गर्म जल धारा, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा इसे गर्म कहते हैं। ये भी आपका किसका पार्ट है, गल्फ स्ट्रीम का ही पार्ट है, यानी कि उत्तरी विषुवतीय जल धारा का ही एक भाग है। नॉर्वे की जलधारा कैसी है, गर्म है, कारण क्या है, ये भी आपका गल्फ स्ट्रीम या उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक डिप्त का ही एक पार्ट है, नॉर्वे करेंट। लेबरडोर की धारा ठंडी है, पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी है। इरमिंगर की धारा कैसी है, गर्म है। या रेनेल की धारा जिसे कहते हैं, ये भी आपका गर्मी में आ जाएगा, नहीं ये आपका ठंडी होगा रेनेल, ठीक है। इरमिंगर की धारा गर्म होगी, कनारी की धारा ठंडी होगी, और इसे हम लोग उद्वेलित धारा के अंतर्गत या अपवेल्ड करंट के रूप में जानते हैं। ब्राजील जो है गर्म है, बेंगुएला ठंडी है। अंटार्कटिका प्रवाह की बात करें ये ठंडी है, दक्षिणी अटलांटिक में है। प्रति विषुवती जलधारा ये गर्म है, रेनेल ठंडी है। फाकलैंड की जो है ठंडी जलधारा है। एंटिलीज जो धारा है कैसी है, गर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका हिंद महासागर की जलधारा हो गई, दक्षिणी विषुवती ये गर्म है और अस्थाई है। मोजाम्बिक गर्म है, अगुलास की गर्म और अस्थाई है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी अस्थाई है। ग्रीष्मकाल जो मानसून प्रवाह है ये गर्म है लेकिन परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। शीतकालीन वाला ठंडा है, ये भी परिवर्तनशील है। सोमाली की धारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। और दक्षिणी हिंद महासागरी धारा कैसी है, ये ठंडी है। आगे देखिए ये आपका महासागरीय लवणता के बारे में बात किया जा रहा है। इसमें 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने सागर में 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया, यानी साल्ट्स का पता लगाया, जिसमें 7 जो है वेरी इंपॉर्टेंट थे। अलग अलग सागरों की जो लवणता है सैलिनिटी है 37 से लेके 33 के बीच है, 33 से 37। यदि औसत की बात करें तो 35 है, लेकिन महासागर झील में जो सैलिनिटी की मात्रा अलग अलग पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो पहुँचने वाले कारक हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन यदि बात करें नदियों द्वारा जो लाए गए साल्ट होते हैं, उसमें कैल्शियम जो है 6% होता है, जबकि सागरों में जो सोडियम क्लोराइड है उसमें 78 होता है। नदियों के जो साल्ट है उसमें NaCl की मात्रा 2% होती है, हालांकि नदियों द्वारा लाए गए कैल्शियम की मात्रा सागर या सागरी जीव तथा वनस्पतियों का ये प्रयोग कर लेती हैं। इस आधार पर यहाँ पे देखिए जो अलग अलग इनकी मात्रा है कितना है, सोडियम क्लोराइड का प्रति 1000 ग्राम में कितना है, 27 ग्राम है। मैग्नीशियम 3 है, सल्फेट का 1.6 है, कैल्शियम का 1.2 है, पोटेशियम 0.86 है, कैल्शियम कार्बोनेट
0.13 है, ब्रोमाइड का 0.06 है। अब इनका प्रतिशत देख लीजिए, 77 अकेले जो है सोडियम है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है 10% है, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7 है, और कैल्शियम सल्फेट जो है 3.6 है, पोटेशियम सल्फेट 2.5 है, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3 और ब्रोमाइड जो है 0.2 है। ठीक, प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो सतही परतों की जो सैलिनिटी है इसमें वाष्पीकरण और वर्षा पर ये डिपेंड करती है। ताज़ा जल क्या करता है कि अंतर तटीय क्षेत्रों में जो सैलाइन वाटर है, सैलाइन रिवर से आने वाले ताज़ा जल है, इनके अंतर प्रवाह को प्रभावित करता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो सैलाइन वाटर है इनके जमने और बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया भी इससे क्या होगी, प्रभावित होगी जब सैलाइन होगा वाटर। पवन जैसे अस्थायी अन्य क्षेत्रों में पानी का स्थानांतरण कर किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करी जा सकती है। समुद्री धाराएं भी लवणता में सैलाइन में परिवर्तन करते हैं सैलिनिटी में। लवणता यानी कि सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ वाटर जैसे कारक क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, इसीलिए तापमान यानी टेम्परेचर या डेंसिटी में परिवर्तन संबंधित क्षेत्र में सैलाइन या सैलिनिटी को भी प्रभावित करेगा। अलग अलग जो सागर है उसमें जो सैलाइन वाटर है उसके कारण क्या क्या है, किस कारण से लाल सागर कितना ज़्यादा खारा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मिश्रित होने के लिए खुले समुद्र से यहाँ पे लवणता ज़्यादा है, क्योंकि लाल सागर स्थल अवरुद्ध सागर है, इसके कारण यहाँ पे उच्च लवणता पाई जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है नदियाँ अपना जल क्षेपित नहीं करती हैं। उत्तरी सागर की बात करें तो ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं सैलिनिटी की मात्रा कम होती है। उत्तरी सागर उच्च अक्षांश के बावजूद समुद्री धारा उत्तरी अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट द्वारा जो है यहाँ पे क्या किया गया, वार्म वाटर लाया गया, तो इससे क्या होगा, ये सैलाइन वाटर हो जाएगा और इसकी वजह से उत्तरी सागर में लवणता ज़्यादा पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी बना सकता है ना, उत्तरी सागर में लवणता ज़्यादा क्यों पाई जाती है, लाल सागर में क्यों पाई जाती है, भूमध्य सागर में लवणता जो है क्यों कारण से ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये उच्च वाष्पीकरण हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की बात करें तो सैलिनिटी जो है ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो सैलिनिटी है इसकी मात्रा में जनरली कमी आती है। भूमध्य रेखा पर उच्चतम सैलिनिटी नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उच्च वाष्पीकरण तो होता है लेकिन यहाँ होने वाली वर्षा यहाँ की लवणता को क्या कर देती है, कम कर देती है। कहाँ पे, भूमध्य रेखा पे यानी इक्वेटर पे। ठीक, तो जो उच्चतम लवणता है उत्तरी गोलार्ध में 20 से लेकर 40 और दक्षिणी में 10 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, नोट डाउन। ठीक है, लवणता के लंबवत वितरण में विभिन्नता मिलती है, उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ क्या होता है, लवणता बढ़ता जाता है। जैसे 60 डिग्री पे आप जैसे समुद्र की गहराई में जाएंगे तो जो सैलिनिटी है ये क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मध्य अक्षांशों में 200 फैदम जाने पे, ठीक है, यानी कि लगभग 1200 फीट और 400 मीटर के आसपास, मान चलिए कि जाने पर 400 मीटर गहराई पर जाने पर जो है पहले बढ़ती है फिर घटने लगती है। भूमध्य रेखा पर गहराई के साथ जो लवणता है वो बढ़ती है। भूमध्य रेखा पे अगर इक्वेटर पे जाएंगे जैसे गहराई में जाएंगे सैलाइनिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन ज़्यादा गहराई में जाएंगे फिर क्या होगी, घटने लगती है। तो जो ये परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, जो समलवण रेखा जिसे कह सकते हैं, वो समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और लवणता में जो अचानक परिवर्तन होता है उसे हाइलोक्लाइन बोलते हैं। अंतर्देशीय सागरों और झीलों में जो सैलिनिटी है, ठीक है, इसकी बात करें तो कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में जो लवणता पाई जाती है 14% है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल्गा और यूराल नदियाँ अपना स्वच्छ जल आपूर्ति करती हैं, जबकि दक्षिणी भाग में जो काराबुगास की खाड़ी है यहाँ पे लवणता 170 पाई जाएगी। यूएसए में जो ग्रेट साल्ट लेक है इसका, इसमें लवणता जो है 22% है। जार्डन के मृत सागर में 238 और टर्की के वान झील में 230 है, ग्रेट साल्ट में 220 के आसपास है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, समुद्री लवणता औसतन 35 होती है और 1 किलोग्राम, इसका मतलब क्या हुआ कि 35 ग्राम लवण की मात्रा जो है 1 kg जल में होगी। समुद्री जल में प्रवेश करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, कैल्शियम है। समुद्री लवणता का
77% यानी 77.8 में केवल क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl है। ठीक है, इसके खारेपन गहराई के साथ वैसा संबंध है जैसे तापमान का तीन स्तरीय प्रणाली, यानी कि समुद्र के खारेपन, पहले आप जैसे कि अलग अलग रीजन में जाएंगे, मान लीजिए ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो नीचे जाने पे बढ़ेगी एक निश्चित गहराई के बाद फिर घटने लगेगी, इक्वेटर पे जा रहे हैं तो नीचे जाने पे बढ़ेगी और एक गहराई के बाद क्या होगी, कम होती जाएगी। सामान्यतः गहराई बढ़ने के साथ लवणता क्या होती है, कम हो जाती है। महासागरों की लवणता समुद्री जीव एवं जगत को प्रभावित करता है, भूमध्य सागर के निकट अपेक्षाकृत कम लवणता होती है। आयन मंडल के पास जो है यानी कि 23.5 के आसपास जो लवणता होती है अधिकतम होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में जो सैलिनिटी होती है न्यूनतम होती है, अंतस्थली सागरों में लवणता अधिक पाई जाती है और लवणता पर गर्म और ठंडी जलधाराएं भी अपना क्या करती हैं, प्रभाव छोड़ती हैं। अब यहाँ पर देखिए लवणता जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, तो इसके अनुसार यहाँ पे टेम्परेचर भी जो सरफेस का है वो पता आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या मेंशन करा गया है तापमान के बारे में, तो अच्छा 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच जो टेम्परेचर है ओशन का वो कितना होता है, 26.83। ठीक, और जो 10 से 20 के बीच होगा ये 25.60। गहराई कितनी, 100 मीटर गहराई तक, 20 से लेके 30 डिग्री के आसपास जो तापमान है लगभग 24 मान चलिए 200 मीटर की गहराई के आसपास। ठीक है, इस तरह से आप इसको पूरा देख लीजिए, ये वेरिएशन है। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ से देखने को मिल रहा है, जो सतही तापमान है वो आपका 0 से लेके 10 डिग्री के बीच। ठीक, महासागर के सतही जल का जो औसत तापमान है ये 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अनेक कारक जैसे सूर्य तप की मात्रा ये भी प्रभावित करती है, महासागरीय धाराएं, प्रिवेलिंग विंड्स यानी सनातनी पवने इत्यादि जो महासागर के तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। ठीक है, महासागर के तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन है, सूर्य तप की मात्रा। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है, कम होती है, इसलिए क्या है कि तापमान जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होता जाता है। सभी महासागरों का औसत तापमान जो है वार्षिक तापमान ध्यान रखिएगा 17.2 डिग्री है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों का जो वार्षिक तापमान क्रमशः 19.4 और 16.1 डिग्री के आसपास है। ठीक है, यहाँ से महासागरों का तापमान देख लीजिए, 0 से 10 जो पैसिफिक में 26 है, अटलांटिक में 25 है, हिंद महासागर में 27 है। तो सबसे ज्यादा जो गर्म है कौन सा है, इंडियन ओशन है। कारण क्या है, ये छोटा है। ठीक है, और सभी आप यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अलग अलग जो लवणता का वितरण है उसको हम लोग देख लेते हैं कि 70 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो लवणता है 30 से 31 है, 50 से 40 जो है 33 से 34 है, 40 से 15 जो है ये आपका 35 से 36 है, और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी, तो यहाँ पे लगभग 35 है, और 10 से 30 के बीच 35 से 36 है, 30 से 50 में आपका 34 35, और 50 से 70 33 34। और ये बुक कौन सी है, जे जॉन्स्टन की है, एन इंट्रोडक्शन टू ओशनोग्राफी, बुक का नाम ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है। तो सबसे ज़्यादा जो लवणता आपको देखने को मिली उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पे, 15 से लेके 40 डिग्री अक्षांश पे, और दक्षिणी में कौन सा है, 10 से लेके 30 डिग्री। तो यहाँ से लेके प्रश्न भी बनाया है। ठीक है, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, वाष्पन, वर्षण, वर्षण यानी कि वर्षा हो जाए तो लवणता कम होगी, वाष्पन ज़्यादा होगा लवणता बढ़ेगी, नदियों से मीठे जल का आना, वायुमंडलीय दाब और पवन की दिशा, साथ ही साथ महासागरीय परिसंचरण या महासागरीय जल की गति भी इसको प्रभावित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करते हैं, एक पार्ट में यहीं तक हम देखेंगे, इसके बाद हमने और चीज़ें यहाँ पे ऐड करी है उसको दूसरे वाले पार्ट में कवर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना ही, ये थोड़ा सा छोटा रहेगा तो आप इसको थोड़ा स्पीड करके देख लीजिएगा। तो इसमें हमने लवणता की बात कर ली, तापमान की बात कर ली उसके, ठीक है, और महासागरीय जल धाराओं की बात कर ली कि कौन किस में शामिल है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब दूसरा वाला जो है उसको भी अभी जस्ट आपको वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो ये पहला पार्ट हो गया, वो दूसरा पार्ट रहेगा।